ちろん。やるーちろん。कमल किशोर बालोत्रा राजस्थान से हम आए। मेरा नाम रूपाली है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम पुलकित है, मैं मेरठ से आया हूँ। मैं जयप्रकाश बालानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आया हूँ। जुले, मैं हेमा तोलानी अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ये एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है और ये अनुभव हर बार नए रूप में और विशाल रूप में नजर आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। 28 साल पहले लगाया गया एक पौधा अब वटवृक्ष बन चुका है। कुछ लोगों के साथ में शुरू की गई यात्रा अब एक जन सैलाब में तब्दील हो चुकी है। सिंध क्षेत्र, सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति, सिंध को याद करने के लिए या उस संस्कृति को एक पुनर्जीवित करने के लिए जो यात्रा शुरू की गई थी, दरअसल अब वो यात्रा पूरे देश की आवाज बन चुकी है। हम जिक्र कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में सिंधु यात्रा की, क्योंकि अब सिंधु यात्रा महज सिंध, सिंध क्षेत्र, सिंध भाषा की बात नहीं करता है, वरन अब ये एक बृहत भारत की बात करता है जिसमें पीओके भी शामिल है, जिसमें एक्साई चीन भी शामिल है। और ये बातें यहाँ से उठ रही हैं, ये आवाजें यहाँ से उठ रही हैं। सन 1997 से सिंधु उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस बार का सिंधु उत्सव 28वां सिंधु उत्सव था। 23 जून से 26 जून तक हर वर्ष यह सिंधु उत्सव होता है। भारत माता की जय। इस बार 28वां यात्रा थी और इस यात्रा में एक विशेषता ये रही कि जहाँ लेह में सिंधु घाट बना, सिंधु के तट पर हर साल जो सिंधु दर्शन यात्रा कार्यक्रम होता है, इस बार कारगिल के लोगों ने मन बनाया कि सिंधु हमारे यहाँ से भी बहती है, यहाँ पर भी कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति की परिचायक सिंधु नदी और उस सिंधु नदी के किनारे बसा ये लेह शहर, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी, यहाँ तक कि हमारे नीति निर्माताओं को भी उसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे इस छोटे से शहर से सिंधु नदी बहती है। और यहाँ का जो सामाजिक वातावरण था, परिवेश था, उसको बदलने में इस सिंधु नदी इतना बड़ा रूप ले लेगी, वो आज हम इस 28वीं सिंधु दर्शन यात्रा में देख रहे हैं। तेईस जून वो दिन है जब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। इसके लिए प्रजा परिषद के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए तत्कालीन भारतीय, अब आज का भारतीय जनता पार्टी, उस समय के तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत का दिन है। और यह शहादत इस बात के लिए है कि राष्ट्रीयता की कमिटमेंट है, वन नेशन वन पीपल वन कॉन्स्टिट्यूशन वन सिटीजनशिप। सिंधु यात्रा जो 28 साल पहले माननीय इंद्रेश जी ने जो सपना देखा था कि लेह लद्दाख जो भारत माता का हमारा हिमालय जो मुकुट है और कैलाश मानसरोवर से निकलकर विश्व की सबसे लंबी ये नदी सिंधु नदी जो अरब सागर में मिलती है, ये हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी
कि शायद हिंदुस्तान में सिंधु नदी नहीं बहती। लेह लद्दाख में इसको इंडस बोलते थे। इसी नदी की खोज कर 1997 में उन्होंने पहली सिंधु यात्रा निकाली और आज 28 वर्ष हो गए पूरे इलाके में। इस यात्रा से जो विकास कार्य हुआ, यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानता हो, इस्लाम को मानता हो, सनातन को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन सिंधु यात्रा के प्रति उसके मन में बड़ा एक प्यार मिलता है। स्वच्छ, शीतल, निर्मल, धवल सिंधु नदी का ये जल वाकई मन प्रसन्नता से भर जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, तमाम तनाव जो होते हैं वो खत्म हो जाता है। दरअसल नदियों का, पोखरों का ये महत्व ही है, भारत की संस्कृति में इनका बहुत बड़ा स्थान है। और जब आज इस तट पर हम यहाँ पर हैं तो ये तट वाकई अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है और हम ये कह सकते हैं कि अद्वितीय भी है। यही तट हैं जहाँ पर वेदों की संरचना हुई, यही तट हैं यहाँ से ही भारत की संस्कृति पली, आगे बढ़ी और आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर रही है। दरअसल सिंधु नदी का जिक्र तब भी था जब गंगा का जिक्र नहीं था। आप सोच सकते हैं अतीत से आज को जोड़ रही है हमारी ये सिंधु नदी। तमाम बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जब हम सिंधु की बात करते हैं तो भारत की संस्कृति बहुत आगे आती है और इस मायने में सिंधु यात्रा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये यात्रा पूरी भारतीय संस्कृति को एक नए मायने में, एक नए तरीके से पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। चौबीस तारीख को परंपरागत रूप से सिंधु घाट पर यात्रियों का समागम था। इस बार यात्री हर पिछले 4-5-6-7 वर्षों के अधिक यात्री थे और 1500 प्लस में यात्री थे और कुछ स्वतंत्र रूप से जो यात्री आए वो भी उस समय सिंधु उत्सव में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश के सैकड़ों में यात्री और भी उपस्थित थे। जो एक सिंधु घाट था उसका मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको भी साफ सुथरा इस बार अंकित किया गया और इसलिए सिंधु का जो पुल छोटा बना था उसको पार करके जो एक छोटा टापू था उस पर प्रशासन ने आग्रह से और पेडेस्टल बना लिया था और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर ब्रिगेडियर बीडी शर्मा, सीईसी और उसके साथ साथ मेरे हाथों से भूमि पूजन हुआ, जहाँ पर घाट पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा, आदम कदम ऊँची बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रशासन ने इस बार अपनी भागीदारी अधिक बढ़ाई है और इसलिए उन्होंने मुख्य मार्ग से सिंधु भवन, जो 1.5-2 फरलांग ही दूर है, वहाँ तक की मेटल रोड जो है वो पक्की की और स्वयं लेह हिल काउंसिल के जो सीईसी हैं वह है, और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने मिलकर उसका लोकार्पण किया। यह इस बात का प्रतीक हुआ कि सरकार और प्रशासन हमेशा मददगार रहती थी, परंतु इस बार वो बहुत आगे बढ़कर मददगार थी सिंधु यात्रियों के लिए। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। इस बार सिंधु दर्शन यात्रा को अटेंड करने आए थे हम बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डे देखा था बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या कल्चर है यहाँ का, लद्दाख का, कैसे कैसे यहाँ पे कैसे फाइट्स हुई हैं, कैसे चाइना पाकिस्तान से हमने क्या
कैप्चर किया जो भी हमारे पार्ट्स थे, यहाँ के जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स है, हिस्ट्री है, उसको प्रमोट करने के लिए सिंधु नदी की हमने को देखा, एक्सपीरियंस किया अपना वहाँ पे सब कुछ, सारी चीज़ें, हिस्ट्रीज, कल्चर्स, एवरीथिंग। सो यह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन टू दिस सिटी ऑफ माउंटेन। मैं मेरठ से आया हूँ और इस सिंधु दर्शन, हम यहाँ पे 23 तारीख को सिंधु दर्शन प्रोग्राम महोत्सव के लिए जुड़े थे हम लोग। हम 40 लोग करीब आए थे मेरठ से यहाँ पे, और काफ़ी प्रोग्राम इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने 28 राज्यों के हमें नृत्य ये सब दिखाए थे, और जो इन्होंने हमारा घूमने का प्रोग्राम करा है, जो होटल करा है कमेटी ने, काफ़ी सराहनीय का है। इस बार हर बार की तरह सिंधु दर्शन क्यों और लद्दाख क्या है, इसकी अपील करते हुए एक बात सारे यात्रियों से कहा गया कि आप मार्केटिंग करेंगे तो किसी भी दुकान से करिए, परंतु खोंचे वाले, रेडी वाले से, पटड़ी पर बैठने वाले वाले जो गरीब है और जो मजदूरी करता है, उसको जरूर 500,000-2,000 की कमाई करवाइए, ताकि यहाँ के गरीब तब व्यक्ति को भी ये लगे ये सिंधु यात्रा मेरे भी विकास में और समृद्धि में सहयोगी है। एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, वो है कि ये सिंधु दर्शन यात्रा समिति लेह के विकास के लिए भी प्रयासरत है। यहाँ के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं, और जितने भी यात्री आते हैं उनको भी ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर जितने भी वेंडर्स हैं और स्ट्रीट्स पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे सामान खरीदिए, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है उसका विकास हो। जहाँ सनातनी वहाँ आकर अपने ढंग से सारी पूजाएं कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार भी सिंधु मैया की पूजा का कार्यक्रम होता आ रहा है। अब यह सनातन बौद्ध समन्वय करते करते धीरे धीरे भारतीय धर्मों के समन्वय की भूमि होगी। इसी कार्यक्रम के अंदर कारगिल के CEC पहली बार आए, उसी के साथ साथ कारगिल से भी और लेह से भी मुसलमान भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कारगिल के अलावा आर्य वैली के लोग आए थे, वहाँ पर भी सिंधु घाट बना हुआ है। उन्होंने भी बार बार भाई साहब से आग्रह किया इंद्रेश जी से कि हमारे यहाँ भी सिंधु घाट का इसका पूरा विकास कर जिस तरह से गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, गढ़गंगा में घाट बने हुए हैं, हिंदुस्तान में भी जो 250 किलोमीटर लंबी सिंधु बहती है, जो कैलाश मानसरोवर से निकलकर ये बहुत पवित्र नदी जो आई है, जिसके प्रति हम हिंदू धर्म को मानने वाले की बड़ी आस्था है, जगह जगह पे घाट बने, पूरे देश के तीर्थयात्री आएँ और छत्तीस बिरादरी के तीर्थयात्री आकर आएंगे तो इस इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा। दरअसल जब कहानी कोई अनंत अवस्था में होती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसमें विराम ले पाना, और अभी फिलहाल मुझे ऐसे ही लग रहा है जब हम भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं सिंधु यात्रा के माध्यम से, तो फिलहाल मेरी अनुभूति कुछ ऐसी ही है कि ये कहानी अनंत है, और वाकई इस अनंत कथा को विराम देना या उसमें ब्रेक लेना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर कुछ आपसे करवा देता है, और ये समय ही है जो हमसे इस वक्त कह रहा है कि अभी इस कार्यक्रम में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं, क्योंकि अभी कथा बाकी है इस सिंधु यात्रा की, बहुआयामी है ये सिंधु यात्रा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर आते हैं, कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD News, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल,
अब है नए तेवर और नए कलेवर में। तो फिलहाल मैं उसी मोड़ पर खड़ा हुआ हूं, उसी जगह पर खड़ा हुआ हूं जहां पर ब्रेक से पहले मैं आपको छोड़कर गया था, क्योंकि मन में इतनी तीव्रता है, इतनी तत्परता है, इतनी आकुलता है कि मैं आपको वो सारी कथा बताऊं, वो सारी बातें बताऊं जो भारत की संस्कृति हम जिसको देख पा रहे हैं, जिसको समझ पा रहे हैं सिंधु यात्रा के माध्यम से। कुछ और बातें हम आपको करते हैं और निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें जो वाकई आपको दिलचस्प भी लगेंगी, रोचक भी लगेंगी। मैं मुंबई से आया हूँ। ये हमारा जो सिंधु दर्शन का जो एक टारगेट है, ये हर साल हम 28 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा जो मकसद है वो इंडिया को जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबका कल्चर और हम सब एक दूसरे के साथ में हिल मिल के रहे और भारत में एकता बनी रहे, तो ये मकसद है सिंधु दर्शन का। यहाँ की जो भी अरेंजमेंट थी बहुत ही अच्छी तरह से की गई थी। हम करीबन 2000 लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह, हम पहले गए थे जम्मू, वहाँ से श्रीनगर गए, वहाँ से हम आए कारगिल, वहाँ से आए लेह लद्दाख। हम 4 दिन से लेह लद्दाख है। आज का जो प्रोग्राम है वो फेयरवेल है 2000 डेलीगेट्स को और हम अभी ये सिंधु दर्शन के मैसेंजर एम्बेसडर बन के हम इसको और फैलाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारी कम्युनिटी और बिरादरी को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे सिंधु दर्शन में जोड़ने के लिए। मैं जयप्रकाश बालानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आया हूँ और ये सिंधु दर्शन प्रोग्राम जो हमारे सिंधी कल्चर है उसको दर्शाने के लिए भाई पूरे हिंदुस्तान में से 2000 प्रतिनिधि, लास्ट टाइम 1500 आए से 2000 आए हैं और हम लोग सोचते हैं इसकी प्रतिनिधि और बढ़े। जुले, मैं हेमा तोलानी अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मुझे यहाँ लेह लद्दाख में आके बहुत ही अच्छा लगा। हमने इतने सालों से पता था कि यहाँ जाते हैं यात्रा में लोग सिंधु दर्शन यात्रा समिति से जुड़े हुए रहने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं, हम लोगों को भी जाके बताएंगे कि यहाँ की जो वादियाँ हैं और यहाँ जो प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे हैं सब अलग अलग प्रदेश में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। देश का राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, जिसके आगे हर किसी का सर नतमस्तक होता है, सम्मान के साथ झुकता है, झुकना भी चाहिए राष्ट्र के सम्मान के खातिर। लेकिन अब यही अभियान तिरंगा फॉर पीओके या तिरंगा फॉर जो चीन का जो कब्जे वाला इलाका है उसके लिए ये अभियान की शुरुआत इस सिंधु यात्रा में की जा रही है। वजह उसकी साफ है, जो हमारी ज़मीन थी जिसको हमारे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, हमें वो ज़मीन वापस पानी है। देश के जन जन की आकांक्षा को सरकार तक पहुंचाना है, देश के जन जन की आवाज़ को जन जन को बताना है और साथ ही साथ अपने दुश्मन देशों को भी ये बताना है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। ये तमाम बातें यहाँ से निकल कर आ रही हैं और ऐसे अभियानों को बल मिल रहा है, क्योंकि अब वाकई बदलते हुए माहौल में, एक नए भारत में, एक नए युवा भारत में अब ऐसी आवाज़ें प्रबल हो रही हैं कि जो कुछ हमसे खोया था हमारी कभी अपनी गलत नीतियों की वजह से, अब हमें अपने आप को ठीक करना है और भारत जो कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत तो है ही, अब इस भारत को हमें बृहद भारत बनाना है और इसी उद्देश्य के साथ ऐसे अभियानों की शुरुआत की जा रही है। हमारा एक संकल्प है कैलाश मानसरोवर का रास्ता यहाँ से खुलना चाहिए, तो शायद हो सकता है वो समय ऐसा आ जाए कि जब अपनी आयु के उस पड़ाव पर भी होंगे तो भी शायद मार्ग कर सकते। हम यह स्वप्न साकार हो कि तिरंगा शीघ्र अति शीघ्र पीओजेके में लहराए तथा कैलाश मानसरोवर पर भी लहराए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
हर सिंधु उत्सव का मिशन घोषित करते हैं। इस बार के सिंधु उत्सव का मिशन था तिरंगा फार पीओजे के तिरंगा फार कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर कभी चीन का नहीं था, उसने अवैध कब्जाया हुआ है। वह कैलाश मानसरोवर चीन छोड़े, इसको रियलाइज करे, दो तिरंगे लहराते हुए, और ये इसका ये पीछे का इतिहास है, और ये ऐसी जगह स्थापित हो जाए आने वाले कल के अंदर, ये तिरंगे वहाँ लहराने के लिए नेतृत्व मार्च करने का सुअवसर मिले। इसलिए कैलाश मानसरोवर पर जो तिरंगा जाएगा वह CEC लेह को ने लिया अपने हाथों में, और जो पाकिस्तान जाएगा POJ के, उस झंडे को कारगिल के एक धर्म से बौद्ध मतावलंबी हैं, दूसरे धर्म से इस्लाम मतावलंबी हैं, पर दोनों की विशेषता एक है कि वह हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, इसको गर्व से मान कर उन्होंने तिरंगे को लिया और अपने साथ ले गए कि वहाँ लेह में और कारगिल में उनके ऑफिस में तिरंगा इस आन बान शान से प्रतीक्षा करेगा कि वह दिन जल्दी से जल्दी देखने को मिले जब कैलाश मानसरोवर पुनः भारत का हो और POJ के पुनः भारत में सम्मिलित हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये पहाड़ एकाकी है, अकेले हैं, नितांत अकेले खड़े हुए हैं, लेकिन सीना तान कर खड़े हुए हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल ये पहाड़ हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, कितने ही अकेले क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी जगह पर अपने किसी भी उत्तरदायित्व से बंधे हों, आप इस देश की रक्षा कर सकते हैं, इसके गौरव का सम्मान कर सकते हैं, और राष्ट्र के सम्मान के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ आप करना चाहते हैं। और इस मायने में सिंधु यात्रा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सिंधु यात्रा में शामिल होने वाला एक एक व्यक्ति राष्ट्रीयता के भावना से ओतप्रोत है, उसके लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हित उसके लिए सर्वोपरि है, और जब एक एक व्यक्ति जुड़ता है तो ये श्रृंखला पूरे देश में नजर आती है, और निश्चित तौर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत जो कि अक्षुण है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, भारत की जो सीमाएं हैं उनको रक्षित करने के लिए एक एक जन अपनी भूमिका निभा रहा है। और इसी तरीके से सिंधु यात्रा का ये कारवां लगातार बढ़ रहा है और लगातार आगे बढ़ता भी रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से।